जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है वो जो अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, उनको लिखित और शारीरिक परीक्षा में पास होने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण में हम लोग उनको नित्य दौड़ करवा रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा है उसमें दौड़ अनिवार्य है, पुरुष के लिए भी महिला के लिए भी। तो पुरुषों की जैसे 5 किलोमीटर की दौड़ है, कन्याओं के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। तो रोज हम उनको सुबह दौड़ाते हैं, उनका समय नापा जाता है, उनकी फिर वैसे ही व्यायाम करवाए जाते हैं ताकि मजबूत हों, और इसका प्रभाव भी पड़ा है, कई लोग क्वालिफाई करने लगे हैं। इसके अलावा हम योगाभ्यास कराते हैं। योगाभ्यास में हमारा विशेष ध्यान प्राणायाम पर है, क्योंकि इस जो परीक्षा है भर्ती के लिए उसमें छाती फुलाना भी है पुरुषों के लिए, तो उन्हें सांस भरना है छाती में, कम से कम 5 सेंटीमीटर छाती फूलनी चाहिए। कई लोगों में ये आदत नहीं होती है, तो प्राणायाम में क्योंकि वो श्वास की ही प्रक्रिया होती है तो इससे वो प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे और उनकी छाती ज़्यादा फूलेगी। तो शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6:30 बजे तक इंडोर क्लासेस लेते हैं। उसमें क्या क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में उनको हम लोग मेहनत करवाते हैं। उनको नाना प्रकार के विषय हैं जो कि हमें लगता है कि ये प्रश्न आ सकते हैं वो पढ़ाते हैं, जैसे भूगोल है, राजनीति है, सामान्य ज्ञान है, बस्तरिया संस्कृति, बस्तर के ऊपर भी हम लोग काफ़ी पढ़ा रहे हैं कि बस्तर के क्षेत्र के बारे में जो भूगोल है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के आदिवासी हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं। सीआरपीएफ के सरलों को देखते हैं ना, हमें भी ऐसा लगता है कि मैं खुद भी वैसी बन के दिखा हूँ, ऐसे टाइप का लगता है कि हम लोग ऐसी सोच के आए कि हम इस जगह पे हासिल जरूर हो जाएंगे।